एमसीएक्स गोल्ड और एमसीएक्स सिल्वर की टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले दोस्तों की इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, खास करके जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जब हम एमसीएक्स गोल्ड एंड एमसीएक्स सिल्वर के ऊपर में एक अपना व्यू लेना चाहते हैं तो हमें गोल्ड एंड सिल्वर के इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उसको भी ट्रैक करना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो गोल्ड के केस में XAU यूएसडी का प्राइस चार्ट और सिल्वर के केस में XAG यूएसडी का प्राइस चार्ट, और साथ में दोस्तों इंडियन मार्केट में जब प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, मूवमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर INR करेंसी पेयर भी एक मुख्य रोल अदा करती है प्राइस के मूवमेंट में गोल्ड एंड सिल्वर में दोस्तों। तो यूएस डॉलर INR करेंसी पेयर के भी चार्ट को हमें ट्रैक करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपके चैनल के ऊपर में स्टॉक मार्केट का जो वीकली एनालिसिस का वीडियो आता है ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स उसमें कवर किए जाते हैं और साथ में कवर किया जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल भी दोस्तों। तो उसे आप चैनल के ऊपर में इस वीडियो के बाद अवश्य देखिएगा और एक प्रैक्टिस बना लीजिए, हर वीक में आप स्टॉक मार्केट वीकली एनालिसिस का वीडियो देखेंगे और अगर आप कमोडिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर की टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों मैं DK आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए दोस्तों पहले स्ट्रेट वे एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा लास्ट वीक की वीडियो में जो चर्चा की गई थी गोल्ड के प्राइस चार्ट पर एनालिसिस के दौरान कि गोल्ड में मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी है, मोमेंटम इंडिकेटर RSI के ऊपर में डेली चार्ट में जिसके बारे में चर्चा की गई थी, और उस कारण से मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी के कारण से एक संभावना नजर आ रही थी कि बहुत ज़्यादा करेक्शन की संभावना नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी चर्चा की गई थी कि फिलहाल गोल्ड में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, और वैसे ही कुछ प्राइस एक्शन में देखा गया कि गोल्ड पिछले वीक में बहुत नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा जहां पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी एब्सोल्युटली नहीं थी। ऐसे वक्त पे हमें पेशेंटली इंतजार करना चाहिए आने वाली अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, मोटो होता है, प्रॉफिट कमाना और कम ट्रेड करना, क्वालिटी ट्रेड करना, ताकि हम अपने प्रोबेबिलिटी को, विनिंग रेट को एनहांस कर सके। अब दोस्तों इस वीक की शुरुआत जो करते हैं हम वीकली चार्ट से करते हैं गोल्ड में। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जब डाउन ट्रेंडिंग मूव में था गोल्ड तो प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त की और ये था करीब 44,300 का लेवल जहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक मासिव रेजिस्टेंस था और इसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट के रूप में काम किया। कई वीक तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया नैरो रेंज में और फाइनली ये ब्रेकआउट हुआ दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को। अब इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें दोस्तों, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और यहाँ भी प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया और एक ब्रेकआउट हुआ 17 मई को। अब दोस्तों ये ब्रेकआउट के बाद में एक थ्रोबैक, एक नॉर्मल प्रोसेस है, और आप देखिए थ्रोबैक के पहले प्राइस ने 3 वीक्स तक कंसोलिडेट किया नैरो रेंज में, तो अपसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया और जैसे ही प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस फिलहाल एक सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। ये जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ देखिए प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया था और ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, तो प्राइस एक्शन से ऑब्वियस है कि 46,138 से लेकर 46,600 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर भी आप एक लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन 26 अप्रैल की बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्या ये एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन करने जा रहा है जो मैं आपको ड्रॉ करके प्राइस चार्ट पर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये प्राइस ने अगर ये लेफ्ट शोल्डर बनाया है और ये प्राइस अपसाइड गई है और प्राइस फिर नीचे हेड बनाई है, तो क्या ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होने के चांस हैं?
तो फिलहाल तो दोस्तों ये राइट शोल्डर अंडर फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब तक इस नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, इसका मतलब मोरल लेस हम कह सकते हैं 48,650 के ऊपर में जब प्राइस ट्रेड होने लगेगी तो हम गोल्ड में बहुत बड़ा उछाल देख सकते हैं आने वाले समय में दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं डेली चार्ट पर और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखते देखते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि बहुत टिपिकल फॉर्मेशन यहाँ पर लास्ट वीक में चर्चा की गई थी कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है, एट द सेम टाइम अपसाइड मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ अभी नज़र नहीं आया है। और आप देखिए प्राइस ने यहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया एक नैरो रेंज में, और जब प्राइस नैरो रेंज में कंसोलिडेट करती है तो दोनों साइड के मूवमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, डाउनसाइड मूवमेंट एंड अपसाइड मूवमेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी की जो बात की गई, इस लो को प्राइस ने यहाँ नहीं तोड़ा है, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो RSI ने इससे लो बनाया है जो एक क्लियर कट केस है मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी का। एट द सेम टाइम गोल्ड प्राइस इज टू फार एक्सटेंडेड डाउनवर्ड, दैट बहुत ज़्यादा करेक्शन की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और एक पॉसिबिलिटी, ये तो दोस्तों एक पॉसिबिलिटी की बात होती है टेक्निकल एनालिसिस में कि इस बैंड का अगर ब्रेकआउट हुआ अपसाइड में, क्योंकि टिपिकल सुशी रोल पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के सारे ट्यूटोरियल वीडियो को देख रहे हैं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम गोल्ड को एक रेंज में जाता हुआ देखेंगे 47,600 से लेकर 47,800 का जो बैंड है वो एक सप्लाई बैंड है दोस्तों। और वो क्यों है सप्लाई बैंड, प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन है, प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मल्टीपल EMA 21, EMA 55, ऑल दीज क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कि आने वाले सप्ताह में पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि अभी फिलहाल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हम शॉर्ट सेल करते हैं तो इसे बड़े स्ट्रॉन्ग डिमांड बैंड के पास में ट्रेड हो रहा है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो लॉन्ग ट्रेड की एक संभावना बन सकती है जब प्राइस 47,150 के ऊपर में अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो एक ट्रेड पॉसिबली एक 47,300-400 के लिए, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे जो 47,500 के आसपास में EMA 55 है। तो एक स्मॉल ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड में। लेकिन दोस्तों जो चार्ट पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि आप देखिए ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस का काफ़ी कंसोलिडेशन है। तो इन एनी केस गोल्ड को 48,650 से लेके 49,600 पे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, और प्रॉब्ली इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में जो वीकली चार्ट में हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अपकमिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में चर्चा की, उसका भी ब्रेकआउट होने के चांस हैं। तो फिलहाल दोस्तों पेशेंटली इंतजार करें, मूव का इंतजार करें और देखें इस कंसोलिडेशन बैंड से ऊपर में ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग ट्रेड की संभावना बनती है, क्योंकि उस केस में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 एटलीस्ट मिल सकता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वो एक सुसाइडल हो सकता है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी नहीं मिलेगा और हम बहुत की सपोर्ट एरिया पर ट्रेड हो रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट पर और संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी हमने गोल्ड मिनी के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की, अब सिल्वर मिनी के प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में MCX इंडिया पर। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन हुआ और इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस में एक थ्रोबैक हुआ है और प्राइस नेकलाइन के करीब में कंसोलिडेट कर रही है बहुत ही नैरो रेंज में। लास्ट वीक में भी दोस्तों कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है इसकी चर्चा की गई थी, और दोस्तों हमने वैसा ही कुछ देखा, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग पेशेंटली फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 67,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का
राइट जो शोल्डर है उसका लो पॉइंट है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस ने, बेयर्स ने प्राइस को पुश डाउन करने की कोशिश की 21 जून 2021 को, बट एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन हुआ और एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। अब दोस्तों ये प्राइस इस रेंज के अगर अपसाइड में ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटी एक ट्रेड की 71,000 के लेवल तक की हो सकती है। 70,900 पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग साइड में एक 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है, प्रोवाइडेड कोई कैंडल इस कंसोलिडेशन बैंड के ऊपर ब्रेकआउट होके क्लोज होती है और उसमें वॉल्यूम में सर्ज होता है। अब इसके अलावा क्या देख सकते हैं फर्दर स्टडी, कि यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो RSI इस टिपिकली इस जगह पे सपोर्ट लिया था, इसने 30th मार्च को उसके बाद में एक मेजर इम्पल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ था और सिमिलर लेवल पे RSI हम देख सकते हैं इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्राइस का यहाँ पर ये जो बैंड है कंसोलिडेशन बैंड, जिसकी चर्चा लास्ट वीक में भी की गई थी, ये एंटायर बैंड एक सप्लाई बैंड के रूप में काम करेगा। तो अगर हम लॉन्ग ट्रेड इस कंसोलिडेशन बैंड के ब्रेकआउट के बाद लेते भी हैं, वो सब्जेक्ट टू द ब्रेकआउट है, अगर उसे लेते भी हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्टॉप लॉस को, रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम राइट समय पे एग्जिट कर सकें और फिर राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें जब फॉर्मेशन बनता है। सिल्वर की यही रेंज रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों, लेकिन एक बार इस सप्लाई बैंड के ऊपर में प्राइस चली गई तो हम सिल्वर को फिर दोस्तों 77,000 के ऊपर जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का वो टारगेट निकल के आ रहा है। पहला टारगेट जो था आपके चैनल पे चर्चा की गई थी इस लेवल पे 74,000 के आसपास, वो तो यहाँ पर अचीव हो गया 18 मई को ही दोस्तों, और उसी के बाद तो करेक्शन की शुरुआत हुई है। तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, ना गोल्ड में ना सिल्वर में, दोनों में फिलहाल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच में दोस्तों जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस आपके चैनल में हैं उन्हें देखते रहिए, ताकि जब हम ये एनालिसिस करें तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खास करके जो बिगिनर्स हैं उन्हें भी समझ में आए कि प्राइस एक्शन होता क्या है, मोमेंटम की स्टडी क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है, ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में रहता है बेसब्री से इंतजार दोस्तों। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।